देश को कोरोना से राहत मिलती नहीं दिख रही है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,46,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,971 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 6,929 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के आंकड़े 10,000 के पार पहुंच गए हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 10,103 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 268 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,908 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,308 हो गई है। शनिवार को 91 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यहां कोरोना से अब तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी है। यहां बलरामपुर अस्पताल में एक और बुजुर्ग की मौत हुई है। यहां कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मेदांता और चरक हॉस्पिटल के यूनिट 24 घंटे के लिए बंद किए गए हैं। लखनऊ में अब तक 25 अस्पतालों के यूनिट सैनिटाइज हुए हैं। रामपुर में कोरोना संक्रमित युवक की मुरादाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसके संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की सैंपलिंग कर प्रशासन उन्हें क्वारंटीन कर रही है। युवक जहां जहां रहा उन जगहों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। कल से पूरे देश में मंदिर खुलने हैं, लेकिन मंदिर खुलने को लेकर वाराणसी में संशय बना हुआ है। एसडीएम से परमिशन के बाद ही मंदिरों को खोलने की अनुमति होगी। आज शाम मंदिर प्रशासन के साथ डीएम की बैठक के बाद इस पर फैसला होगा। आजम खान को एक और मामले में राहत मिली है। नदी की जमीन कब्जाने के आरोप में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। आजम को अब तक 4 मामलों में जमानत मिल चुकी है। वहीं शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में 9 जून को सुनवाई होगी। लखनऊ में 100 लड़कियों को परेशान करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन में शिकायतों के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार शख्स के मोबाइल से 178 लड़कियों के फोन नंबर मिले थे। मोबाइल में अश्लील वीडियो, फोटो और स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। कन्नौज में तेज रफ्तार लोडर ने दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए दोनों निकले थे। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गरवा कोतवाली इलाके के इंदरगढ़ तिराहे की यह घटना है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 का इनामी पकड़ा गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। पकड़ा गया बदमाश देवबंद में कई लूट में शामिल था। उसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। थाना तीतरो इलाके के सालियार चौराहे की यह घटना है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लूट करके भाग रहा बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। बदमाश पर 12 से ज्यादा हत्या और लूट के मामले दर्ज हैं। उसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। नोएडा के थाना 49 के पास की एक घटना है। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां एसटीएफ और पुलिस ने 2.25 करोड़ की चरस बरामद की है। चरस के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बिठूर थाना इलाके के मंधना की यह घटना है। हरदोई के अयारी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत पर पानी लगा रहे युवक को रिटायर्ड फौजी ने गोली मार दी। नशे की हालत में रिटायर्ड फौजी ने वारदात को अंजाम दिया। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरोहा में घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद आरोपी फरार है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के डोमखेड़ा गांव का यह मामला है। गोरखपुर में 2 कांस्टेबल को टिकटॉक बनाना भारी पड़ गया। कांस्टेबल प्रदीप कुमार और विवेक कुमार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लाइन हाजिर कर दिया। दोनों ने वर्दी में टिकटॉक बनाकर वायरल हुआ है दोनों का वीडियो। दोनों कांस्टेबल गोला थाने में तैनात थे। जालौन में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी हुई है। घटना में कई लोग घायल हो गए। ग्रामीण ने
दबंगों पर खेत पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कोच कतवाली इलाके के ताहरपुरा गांव की घटना है। ललितपुर में सरकारी गेहूं क्रय योजना को प्राइवेट संस्थान ने पलीता लगा दिया है। यहां बालू और गेहूं मिक्स कर वेयरहाउस को 1000 बोरी भेजी गई। एफसीआई कर्मियों ने अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। श्रावस्ती में इकोना पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा आरोपी मैसर पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तार आरोपियों पर 15,000 का इनाम था। वहीं दहेज हत्या में फरार चल रहा आरोपी अखिलेश कुमार को भी सीता द्वार के पास से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शामली में बीच सड़क में युवकों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल बाइक टकराने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। बाइक सवार युवक को कई युवकों ने मिलकर मारा था, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं में पड़ोसी से झगड़ा होने पर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। आनंद फानन में पुलिस ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है और व्यक्ति को खुद पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शाहजहांपुर में एक युवक ने तमंचे से अपने भतीजे और भतीजी को गोली मार दी। गोली से घायल दोनों लड़के लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद की रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रामपुर में कोसी पर बड़े पैमाने पर स्टोन क्रशर संचालक अवैध खनन करा रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि रात ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे थे, जिनके खिलाफ एसडीएम आरके गुप्ता ने स्टोन क्रशर पर छापा मारा। एसडीएम ने बताया कि अवैध खनन पाए जाने पर स्टोन क्रशर के संचालक को रोक दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद को फोन पर बात की और मुंबई से प्रवासी लोगों को उत्तराखंड भेजने के लिए आभार जताया। सीएम ने कहा कि सरकार और समाज का सहयोग ही हमें इस वैश्विक महामारी को हराने में बेहद मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने सोनू सूद को इस संकट के बाद उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। हरिद्वार की हर की पौड़ी में सेव गंगा फाउंडेशन ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और सपरिवार स्वस्थ होने के लिए मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सेव गंगा फाउंडेशन ने संरक्षक ने कहा कि सभी ने मां गंगा से प्रार्थना की है कि सतपाल महाराज जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर उत्तराखंड के विकास में अपना अहम योगदान दें। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनका परिवार एम्स में एडमिट है। रामनगर में गुलदार ने 13 साल की लड़की को निवाला बना लिया। लड़की घर के बाहर बर्तन धो रही थी, जिसे घर उठाकर वो जंगल में ले गया। तराई पश्चिमी के चूना खान रेंज की यह घटना है। गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है और लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर रामनगर से है, जहां पिरुमादार इलाके में अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान खोले जाने को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर दुकान में तालाबंदी की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। महिलाओं का आरोप है कि जिस स्थान पर यह दुकान खोली गई है वह स्थान गांव की कई कॉलोनियों को जोड़ता है। गांव में दुकान खुलने से यहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना बढ़ेगी और युवा पीढ़ी भी इसका शिकार होगी। काशीपुर में लॉकडाउन के बीच बिजली विभाग पस्त दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि बिजली विभाग काशीपुर में बिजली बिल नहीं वसूल पा रहा है, जिससे उसे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि काशीपुर बिजली विभाग की तरफ से हर महीने लोगों से बिजली के बिल के रूप में 35 से 40 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते बिजली विभाग के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। यही कारण है कि लोगों की तरफ से बिजली बिल का भुगतान विभाग को नहीं किया जा रहा है। रामपुर में छोई इलाके में समसारा क्वारंटीन सेंटर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज दिन दहाड़े क्वारंटीन सेंटर से फरार हो गया। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मेडिकल टीम ने संक्रमित व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लिया। बड़ी राहत यह है कि संक्रमित व्यक्ति 30 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रामनगर के ग्रामीण इलाके में कैसे पहुंचा, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आते समय रास्ते में संक्रमित व्यक्ति ने कितने लोगों के संपर्क में वो आया होगा, इसका डाटा पुलिस कैसे जुटाएगी।
रुड़की की लक्सर कोतवाली पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की दो बाइक और एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि लक्सर के बाजार में बीते 3 जून को एक बाइक चोरी हुई थी। बताते चले कि लक्सर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो चोरों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिमाह सरकारी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटे जाने का नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने घोर निंदा की है। साथ ही सरकार पर सवाल उठाया है कि क्या 2 माह की आपदा में सरकार की ऐसी स्थिति हो गई कि वो कर्मचारियों का वेतन काटकर इस आपदा से लड़ेगी। इंदिरा हृदयेश ने सरकार से तत्काल अपने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सतपाल महाराज की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी मंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक में भाग लेने के बाद सुरक्षा को देखते हुए कैबिनेट क्वारंटीन कर दी गई थी, लेकिन सतपाल महाराज के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है। जहां कांग्रेस सतपाल महाराज पर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं मंत्री इस पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मसूरी के पिक्चर पैलेस के पास युवक का एक्सीडेंट हो गया। रोड पर मलबा पड़े होने की वजह से युवक डिसबैलेंस हो गया और एक रोड के दूसरी ओर जा गिरा। साथ ही युवक के ऊपर उसकी बाइक भी गिर गई। इस दुर्घटना में युवक को काफी चोटें आई हैं। युवक को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। रुद्रपुर के गौघाट गांव में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत है। लोग शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं और वन विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार की शाम को एक गुलदार ने मवेशियों पर हमला कर दिया था और उसने एक बैल को भी अपना शिकार बना लिया था। गुलदार के आने से ग्रामीणों की नींद जरूर उड़ा दी है और वो वन विभाग से उसे पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से नेपाली मजदूरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विकासनगर के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक बाग में डेरा डाले सैकड़ों मजदूर अपने देश वापस जाना चाहते हैं। दरअसल उत्तरकाशी और जौनसवार बावर में सैकड़ों की तादाद में मजदूर सड़क निर्माण कार्य में लगे थे, लेकिन कोरोना के कारण निर्माण कार्य रुक गया, जिससे ये मजदूर भी यहाँ फंस गए। व्यवस्था के अभाव में सभी एक हफ्ते से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।